हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्रैटेको। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर के ग्लोबल स्टाइल्स को देखेंगे, क्योंकि ये एडवांस की वीडियो है तो इसलिए थोड़ा सा हम एडवांस ही चलेंगे। तो ग्लोबल स्टाइल्स क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले कोई भी पेज ओपन कर लेना है, तो या फिर मैं न्यू पेज बना लेता हूँ, या फिर कोई बना बनाया पेज उसी को ही एडिट कर लेता हूं। तो मैं एक न्यू पेज बनाने लगा हूं, इसका नाम रखता हूं एडवांस सीरीज, मैंने इसका नाम रख दिया। और इधर से मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूं। तो ये देखिए, हम एलिमेंटर पैनल में पहुंच गए हैं। तो ये सारे तो वही फीचर हैं जो आपको पता हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन इनमें से भी कुछ फीचर्स होंगे जिनको हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन इस वीडियो में हमने एलिमेंटर के ग्लोबल स्टाइल्स को देखना है कि वो क्या होते हैं। देखिए, अभी तो देखें, जब हमने थीम इंस्टॉल की तो थीम ने अपने स्टाइल्स इस पे लगा दिए। कौन से स्टाइल्स? मतलब कि ये जो कलर है, ये पिंक सा कलर है ना, ये हमने नहीं लगाया, ऐसा ही है ना। आपकी वेबसाइट पे अगर हेलो एलिमेंटर के नाम से जो थीम है हमने की थी, अगर वो ही इंस्टॉल है तो उस पे ये वाले कलर्स होंगे, ये पिंक वाले पिंक, और जब हम उसके ऊपर होवर करते हैं तो ये ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये कलर मैंने सेट नहीं किया, ये थीम ने सेट किया, क्योंकि ये उस पे पहले से ही कुछ स्टाइलिंग हुई हुई थी। इसको कहते हैं स्टाइलिंग हुई हुई, ठीक है। तो ग्लोबल स्टाइल्स पे हमने काम करना है, ग्लोबल स्टाइल्स के उनको हमने चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक हेडिंग से ड्रैग करके इधर ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखें, ये जो कलर आ रहा है ये किसने सेट किया। ये जो कलर आ रहा है, ये जो स्काई ब्लू कलर कलर है, ये जो भी कलर है, तो ये कलर मैंने सेट नहीं किया, ये खुद ही आ रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट पे सेट है। ये वाला कलर पहले से डिफॉल्ट पे सेट है, और ऊपर से ये जो फॉन्ट आ रहा है ये भी मैंने सेट नहीं किया। तो ये सब किधर से आ रहा है, इसको कैसे चेंज करना है कि ये जब मैं अपनी कोई हेडिंग या कुछ भी इधर ट्रैक करूं तो वो इस स्टाइल में ना आए, इस कलर में ना आए, इस फॉन्ट में भी ना आए। तो ये सब कैसे करना है, ये सब हम ग्लोबल स्टाइल से करेंगे। लेकिन ग्लोबल स्टाइल्स हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर करेंगे ताकि हमें समझ आए। तो ये तो मैंने हेडिंग कर दी, अब इधर ही मैं अगर एक बटन भी कर लेता हूँ तो देखें, बटन पे भी ये जो पीछे ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर भी मैंने नहीं लगाया कहीं भी, और ना ही मैंने ये व्हाइट कलर इसका लगाया ये टेक्स्ट का, तो फिर भी ये कलर खुद ही आ रहा है, मैंने तो कहीं पे लगाया ही नहीं। इसी तरह मैं टेक्स्ट एडिटर लगाता हूँ, तो इस पे देखें, इस पे भी ये कलर आ रहा है ब्लैक सा, ब्लैक और ग्रे है, तो ये कलर भी मैंने नहीं लगाया। तो अच्छे, ये तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं, क्या करें इनका, अपडेट करते हैं, अपडेट हो गई हैं, प्रीव्यू करते हैं वैसी की वैसी, ठीक है। अभी हम इनको चेंज करेंगे कि ये डिफॉल्ट कलर्स इसके, इधर से तो हम कर ही सकते हैं ना, मतलब कि हमने अगर हेडिंग का कलर चेंज करना है तो हम स्टाइल में जाके इधर से कर लेंगे। लेकिन फिर हमें जब अपनी इस वेबसाइट पे कोई और हेडिंग लगानी होगी तो हमें हर बार उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। जितनी जगह भी हेडिंग यूज होगी या जितनी जगह भी बटन यूज होगा, हर बार उसका कलर हमें चेंज करना पड़ता है। अभी तक हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें हर बार वही काम करना पड़ता है रिपीट पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर भी हेडिंग लगानी है, इधर भी लगानी है, इधर भी लगानी है, नीचे भी लगानी है। मैंने अपनी इस पेज पे इस हेडिंग को मैंने कोई 15-20 बार यूज करना है, तो सिर्फ उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करूंगा, बाकी सारा मतलब कि वही स्टाइल रखनी है।
तो मुझे बार 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 हर एक का कलर जाके हर एक की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो वो बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा लंबा काम है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम ग्लोबल स्टाइल्स यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ से ओपन होते हैं? ग्लोबल स्टाइल्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो बटन है, और यहाँ से आपने आना है इधर साइट सेटिंग्स पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास आ गए हैं। ये जो सेटिंग्स हैं, ये ग्लोबल सेटिंग्स हैं, ये साइड सेटिंग्स हैं। अगर आपने ग्लोबल कलर सेट करने हैं, मतलब कि जो भी वेबसाइट पे यूज हो रहे हैं, तो वो यहां से सेट होंगे, जो लिखा रहा है ग्लोबल कलर्स। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इधर देखें, इधर ये वही कलर्स आ रहे हैं जो इधर पहले से सेट हैं। प्राइमरी कलर हेडिंग पे लगा हुआ है, सेकेंडरी कलर हमारे इधर लगा हुआ है, इधर नहीं सॉरी, ये जो टेक्स्ट कलर है ये इधर लगा हुआ है, और जो एक्सेंट कलर है वो इधर बटन पे यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें वही हैं, इनको हम चेंज करके ये जो भी हैं कलर्स, इनको चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कोई और कलर करता हूँ, ये देखें उधर चेंज हो गया, या फिर मैं इसको ब्लैक की जगह आपको दिखाने के लिए फिलहाल रेड कर रहा हूं, ठीक है? तो इसको मैंने रेड सेट किया, ये उसका कलर है, तो ये देखें रेड हो गया। इसी तरह मैं एक्सटेंड कलर को भी चेंज करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको आके अपडेट करता हूँ, अभी होगा क्या, ये तो चेंज हो गई लेकिन इससे एक फर्क पड़ा। कौन सा फर्क पड़ा मैं दिखाता हूँ। अभी जब भी मैं कोई बटन कहीं भी किसी भी जगह किसी भी पेज में, जरूरी नहीं कि मैं इस पेज में, किसी भी पेज में जाके जब भी मैं कोई बटन अपना ड्रॉप करूंगा, तो उसका कलर वही आएगा जो मैंने सेट किया था। ये देखिए वही कलर आ रहा है, पहले कलर जो था वो ग्रीन आ रहा था। और इसी तरह जब मैं कोई हेडिंग अपनी कहीं भी किसी भी जगह जाके ड्रॉप करूंगा, बेशक वो इस पेज पे करूं या किसी और पेज पे, तो उसका कलर यही आएगा। तो इस तरह हम अपने ग्लोबल कलर सेट करते हैं जो भी हमने अपनी वेबसाइट पे यूज करने हैं। तो इसके साथ एक और चीज आपको बता दूं कि ये कलर तो अच्छे नहीं लग रहे, आपके माइंड में कोई अच्छे अच्छे कलर्स कैसे आएंगे, कभी कौन से कलर्स हमारी वेबसाइट पे सूट करेंगे? तो अच्छा डिजाइन बनाने के लिए ना, वो तो बाद में, चलो बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल भी छोटी सी टिप दे देता हूँ कि कैसे हमने अच्छे कलर्स बनाने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो आपने ये वेबसाइट यूज करनी है, कलर पैलेट वाली, किधर गई, ये है, ये देखें, ये जो वेबसाइट है ये आपको कलर जनरेट करके देती है कि जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला कलर यूज कर लें। इसको आपको पूरा प्रीव्यू आपको मिल रहा है कि इन कलर्स के साथ आपकी वेबसाइट इस तरह की होगी। तो ये जो है पहला कलर, ये है बैकग्राउंड का कलर। आपने अगर बैकग्राउंड कलर ये येलो रखना है तो आप इधर येलो कर लें, अगर आपने बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है तो आप इधर से व्हाइट सेलेक्ट कर लें और फिर इसको लॉक कर लें ताकि ये कलर चेंज ना हो। फिर आप जनरेट पर क्लिक करें तो ये कोई और कलर जनरेट कर देगा, इस कलर को चेंज नहीं करेगा। तो देखिए अभी इस तरह के कलर्स हैं, आपको जो भी कलर पसंद, बार बार क्लिक करें जनरेट पे तो ये और से और करता ही रहेगा जनरेट, ठीक है? तो आपको जो कलर पसंद आए आपने उस पर रुक जाना है। और ये देखिए नीचे उसके कोड्स आ रहे हैं, कलर कोड, तो आपने फिर वो कलर यूज कर लेना है इधर से। अगर आप यूज करना चाहें तो वैसे आपके माइंड में कोई कलर्स हैं वो भी यूज कर लें, लेकिन कलर्स का आइडिया आप इधर से ले सकते हैं, कौन सा कलर मेरी वेबसाइट पे सही रहेगा। तो देख लेते हैं कोई अच्छा सा कलर। तो ये कलर मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है मुझे, अभी देख लेते हैं इसकी कलर कोड्स। बैकग्राउंड पे तो ये व्हाइट कलर है और एक ये कलर है और एक ये कलर है, ठीक है? अभी देखें इसने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किए हुए हैं।
इसने हेडिंग्स पे ये जो डार्क सा कलर है ये यूज किया है, और बटन्स के पीछे इसने ये कलर यूज किया है, और बाकी जगह पे भी। ठीक है, तो हम भी इसको इधर से कॉपी करते हैं, और यहां से इधर क्लिक करके साइड शेडिंग्स और ग्लोबल कलर्स, तो ये जो था इसको हम इधर आके पेस्ट करते हैं। ये देखें पेस्ट हो गया कोड जो हमने कॉपी किया था, ये उधर लग गया। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा सेकेंडरी कलर है वो ये वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर भी मैं यही रखता हूँ जो हमारा प्राइमरी कलर है, इसको मैं इधर से कॉपी करके और नीचे जो हमारा एक्सेंट कलर है वो मैं यही रखता हूँ जो मैंने इधर से कॉपी किया था। ठीक है, तो ये सारा मैंने कर लिया, अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ और इसको मैं इधर से क्लोज करता हूँ। अभी मैं कोई हेडिंग ड्रॉप करता हूँ, देखें हेडिंग कलर वही आया जो ये वाला था, और इसके साथ मैं कोई बटन लगाता हूँ, देखें बटन का कलर ये वाला आया बैकग्राउंड पे। तो ये तो इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई, और आज की वीडियो में बस इतना ही था। इससे नेक्स्ट अगली वीडियो में, इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे आपको बता दूं, इससे नेक्स्ट हम जो ये फॉन्ट्स हैं हम फॉन्ट्स की ग्लोबल स्टाइलिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।